ओम नमः शिवाय। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल का अभिषेक कराने के लिए आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ ही एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ा भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल को यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में भी कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठा कर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं तुम्हारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं है, अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल को उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें यह भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं।
तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की सेवा करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों की मदद करके और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। ओम नमः शिवाय।